आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। पुणे पुलिस ने सुजीत पाटकर और संजय राउत के बिजनेस पार्टनर लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज समेत कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानिए क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में शिवाजी नगर पुणे जम्बू कोविड सेंटर का ठेका फर्जी तरीके से हासिल करने के मामले में पुणे पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406, 465, 467, 468, 471, 511 और 34 के तहत सुजीत पाटकर और संजय राउत के बिजनेस पार्टनर लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जैसा कि शिकायतकर्ता भाजपा के किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है। पुणे पुलिस पुष्टि करता है संजय राउत पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। एएनआई में छपी एक खबर के मुताबिक शिवसेना विधायक संजय सरसाट ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के खिलाफ खारघर में हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया। सिरसाट ने कहा कि उन्हें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमने उनके खिलाफ फर्जी खबर फैलाने का मामला दर्ज कराया है और इसके लिए हम थाने आए थे। क्या बोले संजय सिरसाट? सिरसाट ने कहा कि संजय राउत झूठी खबर फैला रहे हैं। खारघर में जो कुछ भी हुआ वह एक दुखद घटना है। जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं कि 50 लोग मारे गए हैं तो उन्हें इसका सबूत देना चाहिए। गुरुवार को संजय राउत ने आरोप लगाया कि नवी मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में शामिल होने वाले कम से कम 50 से 75 लोगों की लू और डिहाइड्रेशन से पीड़ित होने के बाद मौत हो गई। लेकिन सरकार संख्या छिपाने की कोशिश कर रही है कितने लोगों की हुई थी मौत। रायगढ़ जिले के नवी मुंबई के खारघर में हुई लू की घटना में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। रायगढ़ जिले के कलेक्टर ने सोमवार को बताया कि हीट स्ट्रोक से मरने वाले 13 लोगों में 9 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं।